1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था तो तुर्की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया हुकूमत का था। अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है, हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की साजिश शुरू की। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था, ऐसी अरबी जुबान बोलता था कि किसी को इस पर शक तक नहीं हुआ। इसने अरब लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ यह कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी यानी गैर अरबी हैं। हम अजमी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? लेकिन उस वक्त के अरब सुनियों ने उसकी एक ना मानी। ये शख्स लांस ऑफ अरेबियन के नाम से मशहूर हुआ। आप लांस ऑफ अरेबियन लिखकर गूगल पर सर्च करें। फिर अमेरिका ने एक और शख्स को खड़ा किया जिसका नाम हम्फ्रे था। आप गूगल पर हम्फ्रे को सर्च करके पढ़ सकते हैं। हम्फ्रे की मुलाकात इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और अरब के एक कबीले के सरदार से हुई। इसका नाम इब्ने सऊद था। हम्फ्रे ने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं करते। इस वजह से हम खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके अपने वतन वापस जा रहे हैं। फिर अरब के मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। हिजाज मुकद्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्ने सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम अपने नाम पर सऊदीया रख दिया। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुल्ला में सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन और अहले बैत अलैहिम सलाम के मज़ारात पर बिल्डोजर चलाया गया। हरम शरीफ के जिन दरवाजों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पर थे, उनके नाम आले सऊद के नाम पर रखे गए। यहूदो नसारा को अरब में आने की इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ। इस जश्न में अमेरिका, बरतानिया और दूसरे काफिर मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंच गए। जिस अरब के नाम से यहूदो नसारा कांपते थे, वो सऊदीया अमरीका के इशारे पर नाचने लगा और आज भी रिंदों के साथ नाच रहा है। यहूदो नसारा की इस नापाक साजिश का जिक्र करते हुए अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके दिल से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखयलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो।